बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। और देश प्रदेश में रहने वाले तमाम लोगों को इकरादी नॉलेज टीवी की तरफ से खुश आमदीद। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, मज़े में खुश बाश भी होंगे और मेरे मज़े मज़े के व्लॉग देखे मज़े भी कर रहे होंगे, राइट? Que ainda existo, preciso lembrar que me amo mesmo que eu acho o mundo tão esquisito. Esse é meu conteste, não julgue meu roteiro, artistas morrem. Alright जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल एंड तक देखना है आपने इस वीडियो को। और जो लोग पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको पता है कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो व्लॉग शेयर किया था वो लकी वन शॉपिंग मॉल का वंडरलैंड पार्ट 3 था, और आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो लकी वन शॉपिंग मॉल का वंडरलैंड पार्ट 4। Arremessa o fecho, o dia, a mágoa, o fim, o recomeço. Hoje eu acordei com a cabeça quente, quase inevitável dizer sim na vida da gente. Sou a pressa, o preço. Arremessa o fecho, o dia, a mágoa, o fim. ऑलराइट जनाब, आपको पता है कल जब हम यहाँ वंडरलैंड गए थे तो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे देख के मेरा भी दिल चाह रहा था काश मैं भी बच्चा होती या मैं बच्चा बन जाऊँ। और मुझे पता है आपको भी ये ब्लॉग देख के दिल चाह रहा होगा कि काश आप भी बच्चे होते, हैं ना? ऐसे ही है ना? लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो बचपन के गेम्स होते थे लाइक लंगड़ी पाला खेलना, चोर सिपाही, पकड़म पकड़ाही और बर्फ़ पानी और आँख मिचोली, वो सारे जो गेम्स थे वो एक अलग एक्टिविटी टाइप था और उसका एक अलग मज़ा था, है ना? हम लोग पार्क्स में जाते थे, पार्क्स में खेलते थे, लूडो खेलना और ड्रॉव खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, लेकिन आजकल के बच्चों की एक्टिविटी थोड़ी अलग है। और इसके अलावा समय कैंप जब आता था, सॉरी समर वेकेशन जब आता था, तो हम लोग अपने रिलेटिव्स के रहने जाते थे, मुमानी हैं, खाला हैं और इस तरह चाचा चाची जो रिलेटिव्स होते थे उनके यहाँ रहने जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे समर वेकेशन आती तो समर कैंप जाते हैं, वो वैसे ही ऑलरेडी बुकड हो जाते हैं कि जी उनको कहीं जाने ही नहीं है। तो इस तरह हमारी सोशल गैदरिंग अलग होती थी और आजकल के बच्चों की सोशल गैदरिंग अलग होती है, इनकी हमारी फिज़िकल एक्टिविटी अलग होती थी, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग होती है, तो टाइम टाइम का डिफरेंस है। बट ये कि हमने भी बहुत इन्जॉय किया, अगर ये इन्जॉय कर रहे हैं ठीक है, हमारे गेम थोड़े अलग थे बट नो प्रॉब्लम, वी आर हैप्पी विद दैट। जो टाइम हमने गुजारा बहुत अच्छा टाइम था, बहुत मज़े का टाइम था, क्या कहते हैं आप लोग? जी जनाब, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं कि हमारा टाइम के जो गेम थे, हमारी जो एक्टिविटी थी वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर दैट कि आजकल की जो एक्टिविटी है, आजकल के बच्चों को जो एक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा अच्छा था, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी बहन को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी सब्सक्राइब का लाइक का इंतज़ार रहेगा। ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है ये आपका प्यार होता है, जो कि हमारी सारी मेहनत जो हम इस वीडियोज़ में करते हैं, जिसके लिए हम जगह जगह पर जाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है आपकी जस्ट एक लाइक से। तो आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं, इसलिए मुझे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आपकी बहन उरूज फातिमा को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, ठीक है? तो इस छोटे से ब्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह पार्ट 5 भी लेकर आऊँगी और उस पर कुछ अलग होगा, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।